देखिए हम तो शिव सैनिक हैं और कौन से जनता वाले शिव सैनिक हम हैं? असली शिव सैनिक हैं। असली शिव सैनिक माननीय जो उद्धव साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख हो उस पार्टी से हैं। वो मैं बोलते हैं कि वो असली शिव नहीं, सैनिक है, अभी आप बोलते हो आप असली शिव नहीं, सैनिक है, लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? देखिए अगर आफ्ताब भाई अगर मैं मेरे किसी से मैं जुड़ा हूँ और मैं उस घर में रह रहा हूँ और घर कल के दिन मैं बोलूँ कि नहीं ये मेरा घर है तो ऐसे ये तो गलत हुआ है। लेकिन अभी वो चीज़ों पे ऑलरेडी सब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है कि भाई ये कौन असली है कौन नकली। लेकिन आप देखोगे ना कि जो एक ट्रेन चल रही है अगर उसमें से एक ट्रेन चल रही है उसमें से लोग उतरते जाते हैं यात्री, लेकिन जो ट्रेन तो कंटिन्यू चल रही है ना तो शिवसेना हमारी कंटिन्यू चल रही है। लोग उतरे लोग उतर उतर रहे। हमारी जो शिवसेना है आज हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं उद्धव साहब ने कहा था कि हम जमीन से फिर से खड़े होंगे। आज उन्होंने 38 सभाएं की है पूरे महाराष्ट्र में। आप देखोगे तो हुजूम मतलब लगा हुआ है, कहीं कहीं तो 50,000 लाख लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज उद्धव जी को जो इतना प्यार मिल रहा है सहयोग मिल रहा है ये उनके ही कार्य किए हुए हैं ना। 2.5 सालों में जो उन्होंने जो मुंबई को महाराष्ट्र को जो किया हुआ है ऐसे ही 5 बेस्ट मुख्यमंत्री में उनका नाम नहीं आ गया। और जीतने की बात है कि जो बिचारे साहब हैं और जो नरेश मस्के जी हैं बिचारे साहब हर लोगों में है, मतलब उनको बताना नहीं है हमको बिचारे साहब। आप किसी कहीं पे भी आप एक मार्केट में सर्वे कर लेंगे आप कहीं पे भी किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि कौन है बिचारे साहब, क्योंकि उन्होंने हम सब जनता के बीच में उन्होंने रह के काम किया है। ऐसा नहीं है खाली कि मीरा भाईंदर में आप बताइए चाहे कोई भी समाज हो कहीं पे भी हो कुछ भी कार्यक्रम हो बेचारे साहब का पहुंचना। और मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी को कैंसर हुआ था किसी को कैंसर हुआ था और पार्ला में एक डॉक्टर है वो टाइम नहीं दे पा रहे थे तो हम लोग बेचारे साहब के पास गए। ये बात आपको बताना जरूरी है कि वो क्या काम करते हैं। उन्होंने तो कहीं वो दिल्ली थे और फिर हमने यहाँ से उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला 6 महीने बाद का मिला है। उन्होंने इमीडिएट डॉक्टर से बात किया रिक्वेस्ट किया और जो 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलने वाला था दूसरे दिन हमको 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला और आज वो आदमी एकदम अच्छा हो गया है। कैंसर का वो था इधर जीभ का ऑपरेशन करना था और वो अच्छा हो गया है। तो ऐसे हैं बेचारे साहब जो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ है राजेश सिंह जी, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना में है, 2 गुट हुआ है आपको पता ही है, और ये मीरा भाईंदर में जिला सचिव के रूप में काम करते हैं। राजेश सिंह जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल ये, राजन बिचारे जी 2 बार से एमपी रह चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? नरेश मस्के जी के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, सीएम आ रहे हैं डीसीएम आ रहे हैं जी और एक माहौल बना हुआ है कि नरेश मस्के जी ही जीतेंगे, जी जी क्योंकि जी वोट जो मांगा जा रहा है जी वो जी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जी मांगा जी जा जी रहा जी है। धन्यवाद आफताब भाई, पहले तो आपने हमको यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, और हमारी बात रखने के लिए आपने हमको ये मौका दिया। मैं आपको कहूँगा बिचारे साहब, बिचारे साहब सबसे पहले उन्होंने नगर सेवक से लेके जो उनका सफ़र रहा है उसके बाद वो महापौर बने थाने के, फिर उसके बाद वो विधायक बने और 2 बार से सांसद हैं। हमेशा बिचारे साहब का एक ही जो कहते हैं वहाँ मीरा भाईंदर या थाना न्यू मुंबई में एक लोक नेता के रूप में उनको बोला जाता है। लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। आप उनका एक पार्टी से कम उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बाकी आपके जो चाहे बीजेपी रहने दो चाहे बाकी अदर जो पार्टियां हैं सब में समर्थक उनके हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं सिर्फ शिवसेना के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर जो भी काम के लिए याद किया उन्होंने काम किया। और यहाँ मीरा भाईंदर में नरेश मस्के अभी तक तो लोग जानते भी नहीं कि नरेश मस्के क्या हैं। चलिए मैं आपकी बात को मानता हूँ कि नरेश मस्के जी को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक वक्त था
तब राजन बिचारे जी को भी इतने लोग नहीं जानते थे मीरा भाईंदर में, और राजन बिचारे जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो भी नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े जी, थे वही लहर था। दूसरी बार लड़े तो भी नरेश मस्के की बात करूं तो नरेश मस्के भी ने अपना सफर जो शुरू किया है वो कॉर्पोरेटर से ही शुरू किया है। दोनों के बीच आखिर बड़ा डिफरेंस क्या है? राजन बिचारे जी पिछले 35 सालों में राजनीति में, नरेश मस्के जी 2012 में पहली बार नगर सेवक बने हैं और 2019 में शायद वो महापौर बने थे वहाँ के। तो आप समझिए जब जब उन्होंने जब इन्होंने एक कहते हैं कि हमारे राजन विचारे जी एक प्रिंसिपल, तब वो एक स्टूडेंट रहे उनके साथ में। विचारे जी के जो शब्द आप सुनेंगे, उन्होंने कभी किसी के बारे में न कभी उल्टा बोला, न कभी किसी चीज़ों के बारे में, किसी नेता के बारे में, वो अपना काम करते हैं। मस्के जी मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जो हमेशा जो है एक विवादों में रहता है। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा ही, अब जो हमारे मतलब हम पूजनीय कह सकते हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, उनके पुत्र हैं श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, हमारी पार्टी के पक्ष प्रमुख हैं, उन पे मतलब थूकने का काम किया उन्होंने, बोलने का काम किया, मतलब एक आसमान पे वो बैठे हुए हैं और आप जमीन से उनके ऊपर थूकने का काम नरेश मस्के जी ने किया। उनके बारे में कई बार स्टेटमेंट दिया जो कि कहीं से भी वहाँ नहीं पहुँचते, उनके मतलब लायक भी नहीं है कि उद्धव जी के बारे में कुछ बोल सके। धर्मवीर आनंद दीघे साहब ने कहा था कि गद्दारों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। मेरा काम खाली यही कहना है कि विचारे साहब जो है एक निष्ठ रहे और उनके एक असली चेला, जो कहते हैं ना कि उनके गुरु धर्मवीर आनंद दीघे साहब, उनके ही असली चेला, उनके असली वारिस राजन विचारे जी और कोई नहीं। आप ये चीज़ें, आप हम मीरा भाईंदर में बैठे हैं, ये चीज़ें आप थाना में जाके अगर आप देखेंगे आफ्ताब भाई, तो आपको बहुत सारी डिटेलिंग मिलेगी कि इनका राजन बिचारे जी और उनमें एक समझिए 100 की गिनती पे पहुंचा हुआ है और एक अभी गिनती 10 तक भी नहीं पहुंचा हुआ है, इतना फर्क है दोनों में। यहाँ के जो XMLA है नरेंद्र मेहता जी का कहना है कि राजन बिचारे जी जब पहली बार जीत के आए थे तो बीजेपी के ही नाम पे जीत के आए थे, बीजेपी के लोग, दूसरी बार भी ये जी तो आज वो हमारे साथ नहीं है तो वो गद्दार है। ये कैसे कहा जा सकता है? आप अगर देखेंगे 2014 रहा, 2019 रहा, जिसमें हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भी तस्वीर रहती थी उसमें, खाली मोदी जी से नहीं जीते हुए। हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि अभी नरेंद्र मेहता जी हैं या यहाँ से जो बीजेपी से जो भी सांसद या विधायक बने, जब युति थी तो उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे जी की फ़ोटो लगाई ना। आज भी तो बाला साहब ठाकरे जी की फ़ोटो है। अभी देखिए ये तो कहीं अभी मेरे पिताजी की फ़ोटो मुझे लगानी चाहिए, मैं किसी और के पिताजी की फ़ोटो लगा के ये कहाँ सा न्याय है, ये तो कहीं नहीं माना जाता। चलिए ठीक है, ये डिबेट तो बहुत अलग है। ऐसे काम बताइए जो उन्होंने मीरा भाईंदर और थाने के लिए राजन विचारे ने अपने MP के पीरियड में, सांसद के पीरियड में किए। कौन से काम किए हैं उन्होंने, क्या काम किए हैं जिसकी वजह से उनको जनता वोट दे? देखिए राजन विचारे जी को वोट देना, मैं ये नहीं कहूँगा कि राजन विचारे जी को सिर्फ अच्छे हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, कर्मनिष्ठ हैं, लोगों के बीच बने रहते हैं, वो नहीं। साथ में उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे आप वोट कीजिए, आप मीरा रोड स्टेशन देख सकते हो आज क्या से क्या हो गया। बोरीवली की तर्ज पे उन्होंने मीरा रोड और भाईंदर स्टेशन का निर्माण का काम चालू है जो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। मेट्रो का जो काम है, मेट्रो का भी काम में पूरा का पूरा जो अपडेशन लेने का काम विचारे साहब ही करते रहते हैं हमेशा। उन्होंने वो चीज़ों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी निधि आती है जो वो लेके आते हो, जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव विचारे साहब जाके दिल्ली में जाके बताते हैं कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। आप इसको वर्सोवा ब्रिज देख सकते हो, आप देख सकते हो जो है रोडो सेवा, जो यहाँ मुंबई थाना इतना मतलब बिजी शेड्यूल में इतना ट्रैफिक रहता है, ये रोडो सेवा से आप भाईंदर से आप वैसे ही जाने में सिर्फ 12 मिनट लगता है। वो उन्होंने जाके वो नितिन गडकरी जी को बताया कि ये हम कर सकते हैं, तो नितिन गडकरी जी ने उस पर तुरंत उस पर वो किया और ये काम करके दिया। तो ऐसे हजारों कार्य हैं। मैं आपको ये देखिए पूरा वचननामा है, इसके अंदर उन्होंने थाने, न्यू मुंबई और मीरा भाईंदर के ऐसे हजारों कार्य किए हुए हैं जो वचननामा में आप देखेंगे तो हजारों कार्य हैं, एक कार्य नहीं है। और वो अपने कार्य को, अपना कार्य को ही अपना कार्य बताते हैं।
यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, आपको बताऊं कि यहाँ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो दूसरे के काम को अपना कार्य कर बता देते हैं। वर्सोवा ब्रिज वो लेके आए, उसकी ओपनिंग जाके हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जाके रातों रात कर दी, जो कि वो 3 दिन बाद उनका ओपनिंग होने वाला था, जो बेचारे साहब के हाथों से होने वाला था, उसके 3 दिन पहले कर दिया। तो जो जो काम अपना काम है उस पर आप अगर बताएंगे कि मेरा काम है, दूसरे को काम को मैं कैसे बताऊं, जो मैं काम करता हूं मेरा काम को मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैंने ये काम किया है, मैं आपके काम को कैसे बताऊं कि आफ्ताब भाई का ये काम मैंने किया हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले शिवसेना एक थी, राजन विचारे जी उसी शिवसेना में थे जी, बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था जी जी जी, तो सारा काम जो है आसानी से हो भी जाता होगा जी जी जी, कि अगर वो निधि भी मांगते होंगे या जी, कुछ जी, भी प्रोजेक्ट लेके जाते होंगे तो हो जाता जी, होगा जी, जी। तो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में आपको ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि अगर राजन बिचारे जी ने जो डेवलपमेंट किया है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी तो हाथ था। अब ये तो मैं छोटा मुँह बड़ी बात करूँगा कि देखिए कि कोई भी मतलब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भी कोई पिताजी की ज़मीन बेच के नहीं आए हुए हैं ना, सबने जो है ये जो हमारा ही जो टैक्स का पैसा है, जो इनकम टैक्स है, जो बाकी जो आते हैं उसी से तो चलता है देश, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अपने नहीं, नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि पैसा तो हम सब का हाँ, है सारे, एक एक जो भारतवासी है हाँ, और जितने भी भारतवासी हैं वो सबके टैक्स का पैसा है जी, बराबर जो प्रोजेक्ट में लगता जी, है सही बात है सर, लेकिन एक सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जी, वो सपोर्ट तो उनको मिला ही होगा ना, नहीं मिला होता तो कैसे वो कर पाते। देखिए अगर एक आदमी उसके 5 पुत्र हैं ठीक है, तो उसको तो जमीन मतलब उनको देना ही पड़ता है ना, उनको अगर वो बताएंगे भाई हमको ये तकलीफ है, अगर एक सेठ है उसके 5 लड़के हैं तो अगर सबको तो उनको देना पड़ेगा ना भाई कि ये तकलीफ हमको है, ये तकलीफ हमको है, वो बताएगा तो ना। तो उन्होंने जो काम किया है, जो लोगों को जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके बताया कि भाई ये चीज़ें हमारे शहर में ये तकलीफें हैं, आज थाना आप देखोगे तो बॉम्बे से तर्ज पे बन चुका है, मुंबई के तर्ज पे बन चुका है, उसी तरह आगे 5 सालों में ऐसा इतने सारे कार्य मीरा भाईंदर में होने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारे विचारे साहब के जरिए आए हुए हैं, आप यहाँ का नक्शा बदल जाएगा, ये आपको विचारे साहब ने वचननामा में भी पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा है, हमारे पास एक कॉफ़ी टेबल बुक है बड़ी जो उद्धव जी उसको उठा नहीं पाए, इतनी बड़ी बुक है जो विचारे साहब ने जो काम किया हुआ है, इतने सारे काम किए हुए हैं, हर लोगों को पता है कि ये आदमी को आप अगर बोलोगे कि भाई ये चीज़ें हैं विचारे साहब को, तो विचारे साहब ये नहीं बोलेंगे पत्र दो, वो पत्र व्यवहार वगैरह का बाद में तुरंत फ़ोन लगा के तुरंत भाई ये क्या है इसका क्या है तुरंत वो पूछते हैं। तो ऐसे नेता और अंतराल की बात कर रहा हूँ कि विचारे साहब जो पिछली बार की जो अपेक्षा है, हम सब तो वही अपेक्षा रख रहे हैं कि 4 लाख के ऊपर हम लोग 4.5 लाख के ऊपर वोट से जीतेंगे, यही हम सब की अपेक्षा और होगा भी आप देखना, क्योंकि थाना में यहाँ तक आपको बताऊँ थाना में लोग कह रहे हैं, हम तो थाना में भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग हाथ जोड़ के विचारे साहब को हम लोग को बोलते हैं कि भाई आप इधर ना आइए, आपकी ज़रूरत नहीं इधर आने के लिए, मतलब इतना प्यार है। मीरा भाईंदर में भी ऐसे ऐसे जगह है जो आप कई लोग बोले कि आप आने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप वहाँ बाकी जगह देखो, यहाँ देखने की जरूरत नहीं, मतलब इतना प्यार है उनके। नई शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना को लोग अब पहचानने लगे हैं, क्योंकि आपका तो नाम भी चला गया, चिन्ह भी चला गया जी जी, तो अभी मसाल को लोग पहचानने लगे हैं, नया नया 4 अक्षरों का जो नाम है शिवसेना, वो तो शिवसेना नाम तो हमारा है ही है ना, उसमें भले ही हमको श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे लगाना पड़े लेकिन है तो शिवसेना ही ना, सिंबल डिजाइन शिवसेना का है, सब कुछ लोगो डिजाइन सॉन्ग, आज हमारे गाने शिवसेना के बजाए जा रहे हैं, जो कि एक टीम होती है जो हमारी टीम ने तैयार की हुई, वो गाने दूसरी जगह बजते हैं लेकिन शिवसेना वो तो है शिवसेना ही ना, हमारे शिवसेना ही है ना, धनुष बाण चोरी हुआ है वो फिर से आ जाएगा, हमको ये इलेक्शन बाद आ जाएगा नहीं अगले 2-3 महीने में वो आ जाएगा, धनुष बाण भी हमारे पास आएगा, मतलब आप लोग को भरोसा है कि राजन विचारे जी जीत रहे? भरोसा नहीं, भरोसा क्या है, हमको पूरा विश्वास है, बहुत जल्दी और आपको 4 तारीख को दिख जाएगा, लोगों को इतना प्यार इतना भर भर, हम लोग इतनी यहाँ रैलियाँ, लोग हम बता रहे हैं ना कि जब चलते हैं ना
तो लोग हमको नहीं, हमारे पास जो है पैसे नहीं है सर, हम लोग जो है ज़मीन पे लोग दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहे हैं साथ में। आप कोई भी मुंबई में यहाँ पे पैसे का यहाँ पे कोई मेरा भेंडर थाने न्यू मुंबई में आप किसी एक कार्यकर्ता को पूछो कि पैसा नहीं, हमको पैसा नहीं, हमको बेचारे साहब के साथ हमको करना है। हमको मैं बताऊँ दिन में 10 कॉल ऐसे आते हैं कि मैं बेचारे साहब के साथ ही हूँ, भले मैं वो बीजेपी के रैली में गया हूँ लेकिन वो खाली मैं बेचारे साहब के साथ हूँ, ऐसे ऐसे आते हैं। तो आप समझो कि इन्होंने लोगों को कमाया हुआ है। देखिए सर, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन जो लोगों में दिल में इज्जत जो बना लेता है ना, तो बेचारे साहब ने लोगों के दिल में इज्जत बनाई हुई है। और ये आपको दिखेगा, आगे 4 तारीख को दिखेगा कि बेचारे साहब ने क्या लोगों के दिल में इज्जत बनाई है। राजन बिचारे जी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से लड़ रहे हैं इस बार सांसद का चुनाव, और उनकी जगह उनका अगर दूसरी तरफ बताएं एकनाथ शिंदे, यानी एनडीए के गठबंधन के हिसाब से एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी जी जो एक साथ हुए बीजेपी, तो उनकी तरफ से नरेश मस्के जी लड़ रहे हैं। दोनों में फ़र्क जो मुझे दिखा ये दिखा कि नरेश मस्के जी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो मोदी जी के चेहरे पर हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं नरेश मस्के को बहुत कम लोग जानते हैं, मीरा भाईंदर में तो बहुत कम लोग, ना के बराबर नए चेहरे हैं। तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा है कि आप अगर नरेश मस्के जी को वोट करते हो तो सीधा नरेंद्र मोदी जी तक ये वोट पहुंचेगा, यानी उनकी जीत होगी। दूसरी तरफ राजद बिचारे खुद अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं, और उनका जो एक उद्धव बाला साहब ठाकरे जो दो गुट में बटा शिवसेना, एक शिवसेना उनका तो चिन्ह भी चला गया, दूसरा उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे भी जी जान लगा करके जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनके टीम में ही हैं राजन बिचारे। अब इन दोनों के बीच की जो वोटिंग होनी है वो 20 मई को होनी है, तो सबसे पहले तो आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहें 20 मई को अपना वोट लेकिन ज़रूर दें, ऐसा नहीं कि चलो नहीं जाना है, वोट के इम्पोर्टेंस को समझिए, आप जिसे पसंद करते हैं उन्हें वोट दें। 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो ये पता चल ही जाएगा कि मीरा भाईंदर का थाने का अगला सांसद कौन होगा, अगला एमपी कौन होगा, राजन बिचारे होंगे या फिर नरेश मस्के जी। तो राजेश जी थैंक यू सो मच आपका, आप आए और आपने हमसे बात की, और बाकी सब तो जनता पे है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।